उस गड्ढे में नीचे पहले आपको कच्चा माल डालना है अपनी जगह से कम उसमें आधे इंच गैप रहना चाहिए कवरिंग का। स्वागत है आपका अपने चैनल एमके मिस्त्री पर। और आज हम देखेंगे कि जो हम फाउंडेशन में कॉलम खड़ा करते हैं वो कॉलम कैसे खड़ा करना है, तो अच्छे से देखिएगा उसका पूरा वीडियो। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कॉलम, अब कॉलम में हमने यहाँ पे ये सूत बांधा है, ये वाला सूत और इधर ये वाला सूत बांधा है। अब सूत में आपको कवरिंग छोड़नी है 1 इंच ये वाली, जैसा अब यहाँ पे हमने टेका लगा दिया कॉलम में। और यहाँ पे इसको सूत में बताइए एकदम वहां से कॉलम के बता दू, तो ये वाले जो कॉलम है पूरे, ये कॉलम पूरे एक सीध में आना चाहिए। तो यहाँ से ये वाला हमने क्या किया है, पूरा फिक्स एक सूत बांध के और पूरा सूत में किया है। और उसमें आपको अगर बीच में कॉलम देना है तो बीच में कॉलम, जैसे हमने यहाँ पर ये 10 इंच कॉलम जो रिंग है 10 नोपी बनाई है ये वाली रिंग, तो ये रिंग में क्या है कि जैसे ये बीच में आ रहा है, अब बीच में आप इसको ऐसे फेस में खड़ा करोगे तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम आती है और कोपरी भी बड़ी दिखती है। इसलिए इसको हमने दीवार के जो लास्ट वाला है सिरा उसमें फेस में चालू किया है। उसके बाद में देखते हैं आउटर में, तो आउटर में ये है कि ये वाले जो हमने कॉलम खड़े किए हैं तो इधर भी हमने सूत बांधा है पूरा का पूरा, ये इधर देख पा रहे हैं ये वाला सूत बांधा है। और कभी भी कॉलम खड़े करो आप तो उसका एक सही सांड जो परफॉर्मेंस है वो बताता हूँ आपको मैं। सूत बांधा आपने अपनी जगह से कम उसमें आधे इंच गैप रहना चाहिए कवरिंग का, जैसे इसमें है और इसमें भी रखा है। और तीसरी बात ये रहती है इसमें कि कॉलम आपने अगर खड़ा किया है तो सबसे पहले नीचे की साइड जो हमारा गड्ढा रहता है कॉलम का, उस गड्ढे में नीचे पहले आपको कच्चा माल डालना है। अन्यथा क्या रहता है कि अपन ने चटाई डाली और चटाई डालने के बाद में जो नीचे पानी आता है उस पानी के कारण पूरा सरिया है ना सड़ जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और तीसरी बात ये रहती है कि अगर आप कॉलम खड़ा कर रहे हो तो जितना हो सके तो कॉलम को चटाई के सेंटर में लेना है, जैसा अभी यहाँ पे देख रहे हैं भैया को, तो वो क्या है कि उधर गड्ढा थोड़ा छोटा पड़ गया इस कारण वो एक सिरे से ले लिया उन्होंने, मगर ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको। ये वाला देखिए बिल्कुल सेंटर में कॉलम का जो अपना फेस आता है नीचे वाला, वो चटाई के सेंटर में लेना है आपको, कभी भी इसको आउट एक साइड नहीं लेना है। उससे क्या होता है कि पूरा लोड जो रहता है चटाई का वो पूरा एक साइड हो जाता है, तो ऐसे काम करना है आपको। तो मिस्त्री भाइयों से निवेदन है कि वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।